मुरली मिस नहीं कहेंगे कि मुरली में भले रोज पॉइंट्स तो वही आती हैं, परंतु ये कई कई तरीके नए होते हैं ना कोई तरीका नया जरूर रोज की मुरली में से मिलेगा जो अटेंशन से, तो कोई तो समझेंगे तो बातें तो वही है तो का भाई मतलब यही है कि निर्विकारी रहो और परमात्मा को याद करो। हाँ बस वो दो अक्षर पकड़ लेते हैं बिहोली बिजोगी, बस इनका मतलब यही है ना, वो तो अभी हम घर बैठे भी कर सकते हैं, पर तो नहीं ये रोज जो पढ़ाई मिलती है उनमें तरीके मिलते हैं कहीं अच्छी तरह से, अपने वो बुद्धि में भी कभी बात अच्छी छुस जाती है, पहले यहाँ भले सुनी होगी परंतु कोई दिन ऐसा होगा कहेंगे आज मेरे बुद्धि में बैठी ये पॉइंट ऐसी है, हाँ तो ऐसा बैठेगा और फिर दूसरे को समझाने का भी कई तरीके मिलते हैं। तो जो पूरा अच्छा नॉलेज के ऊपर अटेंशन देने वाले हैं वो सुनने को और सुनाने को पूरा ध्यान देंगे। देखो हम भी अभी 28 हम भी देखो बाबा की टेप नहीं सुनते हैं, मुरली सुनते अटेंशन क्यों से, कभी कभी कोई पॉइंट ऐसी अच्छी मिल जाती है जो दूसरों को समझाने के लिए काम में आती है, क्योंकि कई प्रकार के मनुष्य है ना, संस्कार है, कभी किसको कैसी बात जचेंगी लगेंगी तो तीर मारने का है, नहीं तो जो तीर प्रैक्टिस करते हैं देखो गन लिया था ना, ये प्रैक्टिस होती है भाई कहाँ निशान लगाना है तो कैसे वो निशान पर लगेगा, तो ये भी निशान मारना है कि इसके संस्कार में ये मेरा ज्ञान की कैसे निशान लगेगा, इसको तीर लगेगा। हाँ तो तीर लगाने की प्रैक्टिस है ही नहीं, अगर हमको प्रैक्टिस नहीं होगा हम मारेंगे तो उधर गोली चली जाएगी, हाँ उधर के बदली उधर चली जाएगी, हाँ नहीं जिसको प्रैक्टिस होगी वो तीर पूरा तीर मारेंगे निशान मारेंगे, तो निशान मारने की भी प्रैक्टिस चाहिए ना, तो हमारा भी ये निशान मारना है ना, दूसरे को कोई के भी पॉइंट जचाना तो ये भी प्रैक्टिस चाहिए, तो जितना जितना ज्ञान में चलेंगे तो दूसरे को पॉइंट समझाने का वो आएगा कि ये आदमी इस प्रकार का है, इसको इसी रग से पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमको तो कल्याण करना है, हमको किसी को पकड़ करके कुछ और थोड़ी करना है, हम समझते बिचारी आत्मा का कल्याण हो जाए।